देखिए कंट्रोल पैनल है कंपाउंड मोड जनरेटर का, ठीक है। कंपाउंड जनरेटर डीसी का, यह हमारा कंट्रोल पैनल है। यह है एम्पियर मीटर, यह है वोल्ट मीटर, ये हमारा डेंजर वाला, ये हमारा रिवर्स टेंजर, जिसको ऊपर नीचे करके हम रेजिस्टेंस के मान को बढ़ाते घटाते हैं, जिससे हमारा स्पीड प्रभावित होता है, स्पीड कम बेसी होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए यह हमारा है कंपाउंड मोटर, देखिए जी थोड़ा टर्मिनल बॉक्स बनाइए। यहाँ पर देखिए 6 वाइंडिंग निकले होंगे, ये हमारा टर्थ है। और देखिए ये दो है जो आर्मेचर के, दो कोई शंट फील्ड है और दो कोई सीरीज फील्ड है, ठीक है। आप कैसे पहचानिएगा कि कौन सा क्या है, देखिए टर्मिनल बॉक्स पर। अगर सीरीज टेस्ट लैंप से जिस पर लाइट फुल ग्लो करता है, सीरीज टेस्ट लैंप पूरा ग्लो करता है, वो हमारा आर्मेचर का होता है। जिस पर केवल स्पार्क करता है उस पर क्या होता है, शंट फील्ड होता है। और जो हमारा लैंप थोड़ा कम ग्लो करता है वो हमारा सीरीज फील्ड होता है, ठीक है। ये पहचान है सीरीज टेस्ट लैंप से। ऐसे मल्टीमीटर से आप रेजिस्टेंस के माध्यम से जान सकते हैं। और यहाँ पर फाउंडेशन पर यहाँ पर दिखाइए जी, ये देखिए टर्मिनल बॉक्स है। यहाँ पर A1 A2 मतलब आर्मेचर का, ये दोनों, ये देखिए F1 F2 मतलब कि शंट फील्ड का, आई सीरीज फील्ड वाला D1 D2 होगा, जो कि यहाँ पर C1 C2 गलती से लिख दिया गया है। ये कंट्रोल पैनल है, यहाँ से 6 वायर निकला, पीछे हमारा रेक्टिफायर लगा होगा जो कि इसको DC सप्लाई देगा। ये हमारा रिवर्स स्टेट है, थोड़ा सा पीछे से दिखा दीजिए। ये हमारा रिवर्स स्टेट है जो कि क्या करेगा, कंट्रोल करेगा मतलब कि रेजिस्टेंस के मान को हमेशा बढ़ाते रहते हैं, ठीक है, जिससे हमारा स्पीड प्रभावित होता है, ठीक है। आगे बढ़ते